हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया NPCIL रावत भाटा की साइट से। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रावत भाटा राजस्थान साइट है। जैसा दिनांक 14 सितंबर 2023 का ही है, ये नोटिस आया है साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के कैंडिडेट के लिए, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और उनको इंटरव्यू और डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कृपया कैटेगरी फर्स्ट साइंटिफिक स्टैंडर्ड यानी साइंटिफिक असिस्टेंट यांत्रिक अभियांत्रिकी को सूचीबद्ध करने के लिए दिनांक 2 जुलाई 2023 को अधिसूचित परिणाम का संदर्भ लें। तदनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी जिन्हें दस्तावेज सत्यापन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, वो दस्तावेज सत्यापन हेतु एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उनके विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र, लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पहचान पत्र एवं विज्ञापन में उल्लेखित निम्न विवरण के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित मूल दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का एक सेट कॉपी भी के साथ उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। तो आपने देखा इसमें क्या क्या है, मतलब जो डॉक्यूमेंट आने चाहिए वो वेन्यू कहाँ है, वेन्यू है मेवाड़ अतिथि गृह और छाया कॉलोनी NTC गेट के पास, भावानगर पोस्ट रावत भाटा बाराकोटा राजस्थान। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूँ कि इसमें जो मैकेनिकल की 2020 में वैकेंसी आई थी NPCIL रावत भाटा के, उसमें सबसे ज़्यादा जो सीट थी वो मैकेनिकल की थी। मैकेनिकल की टोटल 61 पोस्ट थी, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल की थी, इलेक्ट्रिकल की कुछ कम थी, उतना भी जीत निजान नहीं आ रहा, करीब 20 उसके करीब थी वो। तो ये है मैकेनिकल की इंटरव्यू के लिए, 61 पोस्ट के इंटरव्यू के लिए टोटल 282 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। अब डीवी, पहले डीवी होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम वो देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लेखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने अथवा विज्ञापन में उल्लेखित अर्हता मापदंड पूरे नहीं कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता तुरंत निरस्त कर दी जाएगी, यानी आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके पास वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, इस संबंध में भविष्य में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और आगे आपसे कोई भी मेल या कोई भी करिस्पॉन्डिंग जो कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए जाँच हेतु आने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को TA DA प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी ये बात सिंपल है, ये समझिए कि जो भी हमारे SC ST कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू देने के लिए जो भी उनका ट्रेवल अलाउंस लग रहा है, खर्चा रहा है, उसको यानी TA DA वो NPCIL नहीं देगा। तो उन सभी बच्चों को जिनको एग्जाम शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए, डीवी और इंटरव्यू के लिए, उनको मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। टोटल 61 पोस्ट हैं, तो बहुत सारे बच्चों का चांस हो जाएगा और आप लगे रहें, मन से तैयारी करते रहें। हाँ, इंटरव्यू के लिए आप NPCIL से रिलेटेड काफ़ी जानकारियों को भी इकट्ठा कर लें, NPCIL से रिलेटेड उसके कितने मतलब टोटल इंडिया में प्लांट है, कितनी कैपेसिटी है, और फ्यूल NPCIL जैसे पावर जनरेशन में काम करती है, पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए, तो फ्यूल क्या लगता है, फ्यूल कहाँ से जाता है, मतलब किस साइड से आता है, तमाम उसके बारे में जानकारी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हैं। ये चीज़ आपको बेसिक रहनी चाहिए, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट का जो भी है वो अपना तैयार किए रहिएगा। किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को भी बता सकते हैं। हाँ, अगर एक्सपीरियंस के बारे में आपको अच्छी जानकारी है तभी बताइएगा, कम जानकारी तो मत बताइएगा। तो यही छोटा सा अपडेट था, ठीक है, धन्यवाद।